माता के दरबार में। अच्छा। जो माता रानी बुलाती है तो जाएगा यात्री कोई। हाँ जी माता रानी। आपको एक हुक्म हुआ माता रानी? हाँ जी एक हुक्म हुआ माता रानी का, वहाँ पहुँच गया। कटरा चमुंडा ज्वाला जी उधर भी पहुँच गए। हाँ जी उधर भी हो गया इसे साइकिल से। इसी साइकिल पे। तो ये हैंडीकैप्ड है, कब से ही आपको तकलीफ है? ये बचपन से है जी। अच्छा फिर भी आपने सोचा कि मुझे माता रानी के दरबार पे जाना? हाँ जी जाना ही जाना है। पहले भी आए हैं कि ये पहली बार ही गए हैं? पहली बार ही गए हमारे। अच्छा पहली बार ही गए हैं। हाँ जी। मैं हाईवे से गुजर रहा था तो मुझे रास्ते में ये साधु महाराज मिल गए और इनमें भी एक माता रानी के प्रति प्रेम और आस्था देखी गई। और इन साधु की अगर बात करें तो ये हैंडीकैप्ड हैं और हैंडीकैप्ड होने के बाद भी ये ट्राईसाइकिल के जरिए माँ वैष्णो देवी के दरबार में पहुँचे। माँ वैष्णो देवी के दरबार पर जाके माथा टेका और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो किस तरह से इन साधु महाराज का ये सफ़र माँ वैष्णो देवी के दरबार तक का रहा, मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से नवरात्रे भी चल रहे हैं और नवरात्रों में माँ वैष्णो देवी के दरबार पर जाकर अगर माथा टेक लिया तो इससे सुकून भरा और क्षण क्या हो सकता है, तो मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। जी साधु जी क्या नाम है आपका? अजय नाम है जी मेरा। अजय जी कहाँ के रहने वाले हैं? पठानकोट का रहने वाला हूँ जी। पठानकोट किस इलाके में? पठानकोट ठंडी खोई मंदिर। ठंडी खोई। हाँ तो कब आपने माँ वैष्णो देवी की यात्रा शुरू की थी? हो गए 20 के दिन हो गए आन जान पा के। अच्छा हाँ जी। तो इसी ट्राई के साइकिल पर चले हैं? हाँ जी ऐसे साइकिल पर। कितने दिन तक वहाँ पहुँचे, कितने दिन लगे आपको माँ वैष्णो देवी के दरबार तक पहुँचने में? 8 दिन लगे जी मेरे को। हाँ जी 8 दिन लगे। 8 दिन पठानकोट से माँ वैष्णो देवी के दरबार। हाँ जी। तो ये ट्राईसाइकिल आपने कटरा में रोक दिया? हाँ जी कटरा में रोकते हैं। अच्छा तो उसके बाद यात्रा कैसे शुरू की? उस तो पैदल ही यात्रा शुरू की थी। अच्छा हाँ जी। तो अब वापिस कब तक पहुँचेंगे पठानकोट में? पठानकोट में कल तक पहुँचेंगे। अच्छा कल पहुँच जाएंगे। हाँ जी। तो कब आप कटरा से कब चले थे? कटरा से 4-5 दिन हो गए कटरा से। 4-5 दिन हो गए कटरा से। हाँ जी। तो रात को फिर रुकते हैं कहीं या चलते रहते हैं? हाँ कहीं भी रुक जाएगा, जहाँ दुकान दुकान खाली कोई मिले वहाँ रुक जाएगा। वहाँ रुकना होता है। हाँ जी। कितना अच्छा लगता है माँ वैष्णो देवी के दरबार पे जाने का जब मौका मिलता है? बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ जी। तो ये हैंडीकैप्ड है, कब से ही आपको तकलीफ है? ये बचपन से है जी। अच्छा फिर भी आपने सोचा कि मुझे माता रानी के दरबार पे जाना? हाँ जी जाना ही जाना है। पहले भी आए हैं कि ये पहली बार ही गए हैं? पहली बार ही गए हमारे। अच्छा पहली बार ही गए हैं। हाँ जी। तो कैसे मन में आया कि मुझे इस हालत में भी माँ वैष्णो देवी के दरबार जाना है? हाँ जी मेरे को तो बहुत अच्छा लगा जी जाने में। नहीं कैसे आया मन में कि मुझे जाना ही जाना है? हाँ जी मन में आया भी मुझे जाना ही जाना जी। हाँ जी। कोई दिक्कत परेशानी रास्ते में आई आप? ना ना कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। दर्शन अच्छे से हो गए? हाँ दर्शन अच्छे से हो गए। तो अच्छा लगता है माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाकर माथा टेका जाए, आशीर्वाद माता रानी का लिया जाए? हाँ जी ऐसा लगता है जी महाराज। अच्छा लगा। हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं है? ना ना कोई दिक्कत। तो खाने पीने का कोई दिक्कत आपको रास्ते में? खाने पीने में मिल मुल जाता, खाने पीने होटल वाले दे दू दिन दिन। हाँ जी। पठानकोट किसी मंदिर में बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं या फिर कहाँ पे रहते हैं? नहीं वहाँ स्टेशन के रहते हैं सामने। अच्छा हाँ जी स्टेशन पे। तो इसी पर आना जाना कहीं भी हो तो इसी पे? हाँ इसी पे जाना होना। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये आस्था है, ये प्रेम है माँ वैष्णो देवी के प्रति, माता रानी के प्रति। और आप देख सकते हैं कि ये ट्राईसाइकिल भी कितनी खूबसूरती के साथ सजाया है इन्होंने, अजय जी महाराज जो कि पठानकोट के रहने वाले हैं गुरदासपुर इलाके के। ये देखिए सभी भगवान का इसमें जो वो जिक्र किया गया है। देखिए माता रानी के झंडे भी लगाए हैं साइकिल पर और इसी ट्राईसाइकिल पर माँ वैष्णो देवी के दरबार तक पहुँचे हैं। और कटरा में ये ट्राईसाइकिल उन्होंने रोका और उसके बाद स्टिक के जरिए जो वो पैदल इन्होंने यात्रा की है। देखिए यही इनकी सवारी है, हैंडीकैप्ड है मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन हैंडीकैप्ड होने के बाद भी माता रानी के प्रति प्रेम कि मुझे वैष्णो देवी के दरबार में जाना ही जाना है, मुझे हाजिरी वहाँ पर लगानी ही लगानी है। तो यही होता है प्रेम। और नवरात्रों में तो चलिए हर कोई चाहता है, लेकिन इन्होंने नवरात्रों से पहले ही यात्रा शुरू की थी। ये पठानकोट के रहने वाले हैं जो ये बता रहे हैं, और 15 से 20 दिन का वक्त जो है वो इनको यात्रा पूरी करने में लग गया, यानी अब कल तक ये अपने वापस पठानकोट शहर में पहुँच जाएंगे और इसी ट्राईसाइकिल के ज़रिए जो है वो पहुँचे हैं। क्या कहना चाहते हैं जो माता रानी के दरबार जाना चाहते हैं, उनको क्या आपका संदेश रहेगा?
हाँ जाए, बहुत जा रहे हैं, यात्री भी बहुत जा रहे हैं माता के दरबार में। अच्छा। जो माता रानी बुलाती है तो जाएगा यात्री कोई भी। हाँ जी, माता रानी आपको एक हुक्म हुआ माता रानी। हाँ जी, एक हुक्म हुआ माता रानी का, वहाँ पहुँच गया कटरा चमुंडा ज्वाला जी, उधर भी पहुँच गया। हाँ जी, उधर भी हो गए इसी साइकिल पर। हाँ जी, चलिए यही इनकी सवारी है, इसी साइकिल पर ये माँ वैष्णो देवी के दरबार पर पहुँचे हैं। और कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए कि हैंडीकैप होने के बाद भी ये चल रहे हैं, अपना सफ़र तय कर रहे हैं। और हमें भी अपनी ज़िंदगी में चाहे जितनी भी तकलीफें दुख आ जाएं, हमें अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचना है, यही हमें लक्ष्य जो है वो साध कर चलना होगा। तो ये ख़ास बात मैंने की अजय जी महाराज से, जो कि पठानकोट के रहने वाले हैं, हैंडीकैप्ड हैं और माँ वैष्णो देवी के दरबार पर माथा टेक कर आए हैं, माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेकर आए हैं। तो एक बार फिर से जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को इन चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको जय माता दी। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।